हेलो एवरीवन। तो आज का अपना क्या है, बोन फ्रैक्चर सीरीज पार्ट पार्ट कौन सा है? बोले सिक्स। बोले ठीक है, तो बोले सर शुरू करो आज के फ्रैक्चर। बोले सुन, बोले पहला क्या है? बोले पहला फ्रैक्चर आज का लोअर फ्रैक्चर, लोअर फ्रैक्चर। बोले ठीक है सर, तो बोले इसको याद कराओ सर, लोअर फ्रैक्चर को याद कराओ याद। बोले सुन, बोले देख एल ए से बनाएंगे लाइट, ठीक है? बोले ठीक है सर। बोले जी आई ई से बना दी लाइट गई और आर से रे, ठीक है? तो लाइट गई रे, तो क्या करूं? लाइट गई तो लाइट गई तो क्या करूं? टॉर्च ला, टॉर्च ला, तो इससे क्या बना? टॉर्च ला से टोक लिया, ठीक है? तो लोयर फ्रैक्चर किसका है? ट्रोक्लिया का, इंटर आर्टिकुलर, इंटर आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ ट्रोक्लिया। ये अपना ट्रोक्लिया है ये, ठीक है? तो ये क्या है? लोयर फ्रैक्चर, लाइट गई रे लोयर, ठीक है? बोले ठीक है सर, ये मैं समझ गया। बोले बहुत बढ़िया। बोला अगला चलो सर। बोला अगला सुन, बोला अगला दूसरा नंबर का फ्रैक्चर क्या है? बोला ह्यूम्स फ्रैक्चर, ह्यूम्स फ्रैक्चर। बोले सर इसको फिर याद करने का तरीका बताओ। बोले सुन, इसको गाने से याद करेंगे। बोले तूने गाना सुना होगा, हमको हमी से चुरा लो, ठीक है? बोले ठीक है सर, हमको हमी, ये तो क्या हो गया? ह्यूम्स। बोले ठीक है। बोले हमको का ओ लो और चुरा लो, ठीक है? तो इससे क्या बना? देखो ओले क्रेनोन, ठीक है? इससे बना ओले क्रेनोन। तो ये क्या है? ओले क्रेनोन का फ्रैक्चर है। साथ में अगली लाइन क्या है? दिल में कहीं तुम छुपा लो। तो दिल का पता क्या है? बोले एंटीरियर साइड से जाओ, लाल रंग का घर मिलेगा, वही दिल है। बोले ठीक है। तो एंटीरियर गए, लाल रंग का घर मतलब, लाल मतलब रेड, रेड से रेडियस। तो एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ, डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड, रेडियल हेड, ठीक है? तो ये क्या हुआ अपना? ह्यूम्स फ्रैक्चर। ह्यूम्स फ्रैक्चर क्या हुआ? ओलेक्रोन फ्रैक्चर विद एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। बोले सर हाँ सुना सुना सा लग रहा है कहीं। बोले बिल्कुल सुना है। बोले मोन्टेजिया क्या था? बोले मोन्टेजिया फ्रैक्चर क्या था? बोले वो तो पल पल ना माने मोन्टेजिया, तो पल ना तो प्रोक्सिमल अल्ना का था, साथ में रेडियस का हेड डिसलोकेट हो गया था। तो ऐसा ये है, रेडियस का हेड तो डिसलोकेट हुआ है, किसकी वजह से? ओलेक्रोन फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है? तो इसीलिए इसीलिए ह्यूम्स को क्या बोलते हैं? वेरिएंट ऑफ मोंटेजिया, मोंटे जिया, ठीक है? और ये किस में देखने को मिलता है? बच्चों में, चाइल्ड, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ह्यूम्स फ्रैक्चर, हमको हमी से चुरा लो। तो ओ इसका लो, फिर चुरा का ये, तो ओ लो और सी से क्या बना? ओ लो क्रेनोन, ओली क्रेनोन, ठीक है? और साथ में क्या होगा? एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ रेडियल हेड। बोले सर ठीक है, ये मैं अच्छे से समझ गया। बोला अगला चल। बोला अगला चल। बोले चलो। बोला अगला है होलस्टेन, होलस्टेन लेविस फ्रैक्चर। बोले ये क्या है सर, बताओ तो सही। बोले सुन तो सही। बोले एच से ह्यूमरस। बोले ठीक है सर। बोले एल से लोअर, और तीन ने तीन, तो लोअर वन थर्ड, ठीक है? तो ह्यूमरस के लोअर वन थर्ड एंड अपर टू थर्ड ही बचा फिर, ठीक है? ये मान लो ह्यूमरस है, तो अपर टू थर्ड और लोअर वन थर्ड के बीच में यहाँ पे ओब्लिक फ्रैक्चर या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है? ओब्लिक या डिस्प्लेस्ड भी हो सकता है फ्रैक्चर, ठीक है? ओब्लिक या डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर ऑफ लोअर वन थर्ड एंड अपर टू थर्ड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है? तो ये क्या है अपना? होस्टिन लेविस फ्रैक्चर, ठीक है? अब मेरे को एक बात बता, इसमें कौन सी नर्व की इंजरी होगी? बोले सर पीछे रेडियल ग्रूव में रेडियल नर्व जा रही होती है, तो रेडियल नर्व की इंजरी होगी। बोले ठीक है बढ़िया। या फिर ऐसे भी याद रख सकता है। बोले विस से क्या बनाना? बोले विस से बनाना रिस्ट, और रिस्ट से रिस्ट ड्रॉप, ठीक है? और रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है? रेडियल। या तो ऐसे याद, कैसे भी कर लो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है? तो होल्स्टीन लेविस फ्रैक्चर क्या हो गया? ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, कहाँ का? जंक्शन ऑफ अपर टू थर्ड एंड लोअर वन थर्ड। इट इज ऑब्लिक और डिस्प्लेस फ्रैक्चर, ठीक है? एसोसिएटेड विद रेडियल नर्व पैल्सी और स्ट्रोक, ठीक है? बोला ठीक है सर, समझ गया मैं।
सेंट लुइस भी। बोले ठीक है बहुत बढ़िया। बोले अगला चल। बोले अगला चल, अगला बहुत गंदा फ्रैक्चर है। बोले क्या गंदा है? बोले बताओ तो सही। बोले सुन, बोले ये तेरी क्या है, ये तेरी मान ले अल्ना, ये मान ले रेडियस, और ये इनका कनेक्शन क्या है, डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। ठीक है, ये क्या है तेरी रेडियस। ठीक है, बोले ये तो मैं समझ गया सर। बोले ये क्या है? बोले ये तो इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। बोले ठीक है। बोले अब जो फ्रैक्चर है ना, जिस फ्रैक्चर की अपन बात करेंगे, बोले उस फ्रैक्चर में क्या होगा, उस फ्रैक्चर में यहाँ से टुकड़े करते चल तो DRUG का डिसरप्शन हो गया। ठीक है, बोले ठीक है सर, DRUG का डिसरप्शन हो गया, साथ में इंट्राओशियस मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो गई, ये लो सेपरेट हो गई, और साथ में यहाँ से फिर क्या होगा, रेडियस का हेड का भी टुकड़े टुकड़े हो गए। तो क्या क्या हुआ है यहाँ पे, इस फ्रैक्चर में क्या क्या हुआ है? बोले सर DRUG का डिसरप्शन है। बोले ठीक है। बोले दूसरा, बोले इंट्राओशियस मेम्ब्रेन का डिसरप्शन है। बोले ठीक है। बोले तीसरा, बोले रेडियस के हेड का फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। बोले ठीक है सर, समझ गया, तीन चीजें, फ्रैक्चर का नाम तो बता। बोले इसको देख के नहीं लग रहा सब कुछ ऐसी तैसी हो गई है? बोले सब कुछ ऐसी तैसी हो गई, तो इस फ्रैक्चर का नाम क्या है, ऐसी तैसी से थोड़ा रिलेट कर लेना, एसेक्स लो प्रेस्टी फ्रैक्चर। ठीक, ऐसी तैसी, एसेक्स लो प्रेस्टी। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट कर लेना। तो ये क्या हो गया अपना चौथा फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये थे आज के अपने फ्रैक्चर।